हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आम मुरब्बा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आम को अच्छे से धुल के छील लेंगे। आम को मैंने छील लिया है, अब इसको हम हल्का बॉयल करेंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, पानी भी डाल दिया है। अब इसमें हम सारे आम को डाल देंगे बॉयल करने के लिए। 4 से 5 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आम हल्का हल्का पका हुआ है। जब तक आम मेरा बॉयल हो तब तक मसाले हम तैयार कर ले रहे हैं। मैंने पंचफोरन लिया है, धनिया लिया है, लाल मिर्च लिया है और लहसुन लिया है। लाल मिर्च तीखा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे। आम मेरा बॉयल हो गया है, अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे लहसुन की कुछ कलियां, सरसों का तेल कम या ज्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं, जीरा, पंचफोरन। तड़का तैयार हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे मिर्चा, लहसुन, धनिया का पेस्ट। मैंने पहले से ही इसको पीस के रख लिया था। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब है मीट मसाला, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब सारे मसाले को हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से एकदम भुना गए हैं। अब इसमें हम उबला हुआ आम डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के गुड़ लिए हैं, इसको मैंने तोड़ लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। यहाँ पे मेरा 500 ग्राम मैंगो है, 500 ग्राम में मैं 2 मीडियम साइज के गुड़ डाली हूँ। अब इसको हम ढक के पकाएंगे। बीच में एक बार हम देख लेंगे मुरब्बे को। अभी मुरब्बा मेरा रेडी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मुरब्बा मेरा रेडी हो गया है। अगर आपको
लगे कि मुरब्बा का जूस पतला है तो इसमें गेहूं का आटा भी घोल के डाल सकते हैं 2 चम्मच, उससे गाढ़ा हो जाता है। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। आप इसको रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।